पेस्ट बना के अच्छे तरीके से इस पे आप ये लगा दीजिए। देखेंगे जो आपका कोडेक्स यहाँ से, दोस्तों आप देख रहे हैं ये एडेनियम का जो पौधा है, कहीं ना हमारे तरह आपका भी एडेनियम का पौधा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बहुत मिलता है महंगा, और इसकी अगर केयर आप नहीं करेंगे सही से तो ये बिल्कुल ये उपयुक्त सही समय है इसे ख़राब होने का। और इस टाइम अगर इसकी आप केयर नहीं करेंगे या उसकी रिपोर्टिंग अगर आवश्यकता होती रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो मैं बता दूँ कि जो उसका कोडेक्स होता है, ये जो कोडेक्स देख रहे हैं, ये जो होता है कोडेक्स बिल्कुल ये सड़ जाएगा, गल जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए ऐसे देखने में लग रहा था कि कहीं सही है, लेकिन देखिए बिल्कुल ये ख़त्म हो चुका है, जैसे कोडेक्स बिल्कुल ख़राब हो गया। और धीरे धीरे कहेंगे देखिए जो ये वाला कोडेक्स है हल्का हल्का, देखिए अभी कोडेक्स जा रहा था, ये तो बच जाएगा, ये बच जाएगा, लेकिन दोस्तों ये जो कोडेक्स है ये ख़राब हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, इसको यहाँ से कट करके इसको भी दोस्तों हम बचाएंगे, आपको दिखाएंगे वीडियो में, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दें। आइए आपको दिखाते हैं जो एडेनियम का पौधा आप अपने पास अगर लगा रखें तो उसमें क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं मेरे पास ये 5-6 से 7 पौधे एडेनियम का आपको दिख रहा है। तो हम सभी पौधे को हमको रिपोर्टिंग करना है, रूट बॉन्ड की वजह से नहीं, इसकी मिट्टी की वजह से। दोस्तों इसकी मिट्टी अच्छे तरीके से, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध नहीं है, अगर इसको हम रिपोर्ट कर देंगे तो मिट्टी भी हो जाएगी चेंज, और इसके कोडेक्स को थोड़ा सा ऊपर करना है। इसका एक राज ये होता है कि जैसे आप ये देख रहे हैं जो एक कोडेक्स है, दोस्तों एडेनियम की जान इसका कोडेक्स होता है। अगर कोडेक्स को खूब मोटा करना है तो हर साल दोस्तों जब भी आप रिपोर्ट करें तो इसको थोड़ा सा ऊपर करें, इसको जो इसका कोडेक्स है इसको ऊपर करके फिर इसको नीचे मिट्टी लगा के इसको रिपोर्ट अप कर दें। इससे क्या देखने में बहुत लगता है खूबसूरत। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ये जो है मिट्टी है, मिट्टी में से इसमें से हम निकाल लेते हैं। देखिए आप ये देख सकते हैं जो ये वाला जो कोडेक्स था, देखिए ये भी कोडेक्स बिल्कुल ख़त्म हो गया था, एकदम बिल्कुल सड़ गया था, लेकिन देखिए इसको मैंने किसी तरीके से इसको कट करके निकाल लिया है, और निकालने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया, और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखिए इसमें लीफ आना ये शुरू हो गया। हम आपको बता दें कि मैंने किया क्या, इसमें हल्दी के पाउडर, आप ये देख रहे हैं हल्दी पाउडर, जानते हैं बहुत लोग हल्दी पाउडर यूज करते हैं और बहुत लोग नहीं यूज करते हैं, हल्दी के पाउडर से इसकी जान बची है। आप देख सकते हैं इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर डाल रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। देखिए इसको अब निकाल देते हैं, और इसके बाद इसको भी हम यहाँ पे निकाल देते हैं। एक काम आपको ये करना कि अगर इस तरीके का आपके पास अगर एडेनियम का पौधा है तो अगर इसको सभी को निकाल के, और ये बिल्कुल ये इसमें उपयुक्त समय है, निकाल के और करना क्या आपको इसको छोड़ देना है। इस तरीके से दोस्तों छोड़ देंगे तो जब ये बिल्कुल जो इसके जो कोडेक्स होता है, कोडेक्स में जो मॉइस्चर होगा वो दोस्तों बिल्कुल ये सूख जाएगा। और उसके सूखने के बाद कितना दिन रखना है, कम से कम आपको काम ये करना है कि 1 हफ्ता या 10 दिन तक छोड़ देंगे इससे इस तरीके से, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट क्या रहेगा कि उसके बाद जब रिपोर्ट करते हैं आप, तो उस समय आप देखेंगे कि अच्छे तरीके से बहुत तेज़ी से ये चलना ये शुरू हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि अगर आपके पास नहीं टाइम है तो आप अभी भी इस तरह इसको इसकी जो रूट है, रूट की इसकी छटाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये ऊपर जो सिरा जो अगर आपको इसकी स्प्रूनिंग करनी है तो स्प्रूनिंग कर आप कर सकते हैं। देखिए मेरा स्प्रूनिंग करने लायक नहीं है तो हम इसकी स्प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ मैंने जो आपको बोला है वो काम आप कर सकते हैं, 1 सप्ताह 10 दिन तक इसको आप रख दीजिए इसी तरीके से, तो कि पूरा ये सूख जाए, उसके बाद लगाइए पोटिंग मिक्स बना के, देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रो करेगा। जो ये तीन देख रहे हैं, तीन देखिए ती, ये तीन हैं जो बिल्कुल ये ख़राब हो चुके हैं, लेकिन इसको अभी भी हम बचा सकते हैं। इसे देखिए कहने का मतलब ये है कि अब इसको यहाँ से इस तरीके से आप एक बार हम कट कर देते हैं, यहाँ से अगर कट करते हैं, देखिए ये बिल्कुल ये सड़ गया था, अभी भी इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। देखिए इसको यहाँ से हमने कट कर दिया, और करना क्या आपको ऊपर यहाँ से करिए कट, और यहाँ से इसको कट करिए। देखिए इसको हम लगा के आपको दिखाएंगे, ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और देखिए ये जो है ये तो बिल्कुल ये सड़ गया है, अब इसको निकाल हटा दीजिए। उसके बाद जो ये दूसरा है, देखिए दूसरा इसमें क्या है कि हल्का से देखिए इसमें यहाँ पर इसमें सड़न पैदा हो रही है, तो जितना भी इसमें हो रही है सड़न पैदा, इसको यहाँ से आप कट करके इसको निकाल दीजिए।
नहीं तो दोस्तों होगा क्या कि बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। और बेहिचक आप निकाल दीजिए, इसमें इससे आप डरिए मत, आपका कोडेक्स फिर बाद में बन के हो जाएगा ये तैयार। देखिए इसकी सड़न इस बगल भी ये आ चुकी है, देखो इसका पौधा दोस्तों बहुत महंगा मिलता है, इसकी केयर आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर केयर नहीं करेंगे, देखिए अभी भी ये इसके अंदर ये है, इसको कट करके हम निकाल देते हैं। थोड़ा सा बस केवल इसका भाग आपको बचा के रखना है, ये जो ये वाला भाग है आपको रखना है बचा के, ताकि आगे तक ये सर्वाइव कर जाए। देखिए इसको हम कट करके इसको निकाल दिए, देखिए दो हो गए मेरे पास, और जो तीसरा है देखिए ये पूरा ये ख़त्म हो चुका है दोस्तों, ये मेरी लापरवाही का नतीजा है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसको देखिए यहाँ से ग्राफ्टेड किया हुआ था, ग्राफ्ट ये वाला ग्राफ्टेड किया हुआ था, और ये भी सूख गया है, इसको यहाँ से हम करते हैं कट, और इसके बाद हल्का सा यहाँ से हम करते हैं कट, और देखते हैं। देखिए ये पूरा ये सड़ गया है, अब इसको यहाँ से आप कट कर दीजिए, देखिए अभी भी भाग सही नहीं है, ये ख़त्म हो गया है दोस्तों, ये बिल्कुल ये ख़त्म हो गया है, ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा, इसको हम हटा देते हैं। अब बात करते हैं इस दोनों की, और ये जो अपने पास है ये पांच प्लांट है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको जो ये हल्दी के पाउडर आपके पास है, तो हल्दी के पाउडर दोस्तों लीजिए, और लेने के बाद इसको आप पेस्ट बनाइए, और पेस्ट बना के अच्छे तरीके से इस पर आप ये लगा दीजिए। देखेंगे जो आपका कोडेक्स यहाँ से सड़ना बिल्कुल ये बंद हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये जो है इसकी जो ऊपरी सिरा लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, और यहाँ पे नीचे ये भरपूर मात्रा में आप लगा दीजिए, ताकि ये सड़ेगा नहीं। अब दोस्तों ये दोनों पौधा अच्छी तरीके से ये स्वस्थ हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ से हम कर देते हैं कट, इसको भी करते हैं कट, क्योंकि दोस्तों ये ऊपर ये सूख गया है। अब ये ऊपर भी हम यहाँ पे अच्छे तरीके से इसमें ये लगा देते हैं। देखिए ये दोनों लग के हो गए रेडी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस पौधे को कैसे में लगाना है, और लगाने के लिए जो मिट्टी हम तैयार करेंगे उसकी कैसी मिट्टी आपको तैयार करना है, तो उसके बाद हम आपको बता दें कि सबसे पहले करना ये है कि जो आप अपने पॉट सामने जो पॉट देख रहे हैं, सभी पॉट को हम खाली कर लेते हैं। देखिए हमने पूरे पॉट को देखिए मिट्टी हटा दिया, हटा के इसको साफ़ भी कर लिया, और साफ़ करने के बाद जो इसकी मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं, इसकी मिट्टी दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, ये आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये मैंने ले रखा है जो रिवर सैंड होता है, जो रेत जिसे कहते हैं, बालू कहते हैं, जब उसको आप चालते हैं तो जो उसको देख रहे हैं जो छोटे छोटे कण हैं, ये कण आपके पास तो ज़रूर उपलब्ध होगा, बालू का यूज करते होंगे आप, तो इस कण को भी आपको यूज करना है। उसके बाद ये काम में करना है कि देखिए ये कंपोस्ट मैंने ले रखा है सड़ी हुई गोबर की खाद, ये मैंने ले रखा है गार्डन सॉयल, और ये ले रखे हैं रेत, रिवर सैंड रेत जिसे बालू कहते हैं। ये तीनों का रेशियो हम बता दें, आप ध्यान सुन लीजिए, हम आपको बता दें अगर कोकोपीट अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए इसमें काम ये करना है कि आपको कंपोस्ट लेना है 30%, मिट्टी लेना है 30%, 20% आपको लेना है रेत, उसके बाद 20% लेना है कोकोपीट। अगर कोकोपीट इसमें ऐड आपको नहीं करना है तो कोकोपीट को अलावा आप इसमें काम में कर सकते हैं, इसमें ले लीजिए कंपोस्ट 40%, मिट्टी 40%, 20% ले लीजिए आप ये रेत, और लेके तीनों को आप मिक्स कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोकोपीट ऐड करें या ना करें। देखिए ये हम मिक्स कर दिए, ये तो हो गया रेडी। अब इसके बाद एक गमले को हम इसमें भर के आपको दिखाते हैं कैसे इसमें आपको भरना है। देखिए ये गमला है, इस गमले में काम में करना है कि जो ये आप देख रहे थे जो छोटे छोटे कण है, इस कण को दोस्तों करना क्या है, इस नीचे सतह में आपको इसमें डाल देना है। देखिए निचला सतह में इसमें आपको डाल दीजिए, उसके बाद ये मिट्टी है, मिट्टी को जो हम बनाए हैं इसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद कोई भी इसमें आप जो पौधा ले रखे हैं उसको इसमें लगा दीजिए। देखिए ये जो पौधा है इसमें इसको लगा दीजिए, थोड़ा सा क्या करना है आपको कि इसको ऊपर करिए। अब देखिए ये इतना ऊपर हो गया तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और इसका कोडेक्स भी ये मोटा हो जाएगा, और मिट्टी से अगल बगल से इसे आप कवर कर दीजिए।
हल्की सी मिट्टी और पॉट में खाली छोड़ दीजिएगा ताकि पानी दे तो बाहर ना निकलने पाए। देखिए इस तरीके से उसी मिट्टी को आप दबा दीजिए। देखिए ये हो गया रेडी। इस तरीके से हम सभी को लगा देते हैं। देखिए हम सभी पौधे को लगा दिए गए गमलों में। देखिए जो छोटा पौधा था जिसको मैंने कट किया हुआ था इसको भी देखिए लगा दिया, और ये 10 से 15 दिन बाद देखेंगे यहाँ से पत्ते निकलना ये शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इस तरीके से अगर आपके पास भी पौधा हो गया होगा तो उसको बेहिचक कट करके उसको लगा दीजिए, तुरंत वो ग्रो कर जाएगा। आप देख सकते हैं ली पाउडर जो मैंने लगाया था उसको मैंने लगा दिया। अभी इसका कोडेज को हम हल्का सा ऊपर इसलिए नहीं किए हैं कि दोस्तों अभी भी थोड़ा सा ये जब ये ग्रोथ कर जाएगा एक साल बाद तो इसको कोडेक्स पे इसको हम और ऊपर उठा के फिर से इसको रिपोर्ट कर देंगे। अब मैं बता दूं आपको कि इसमें आपको दे देना है पानी। दोस्तों आप एक बात केयर किए होंगे कि जो इसका मैंने पोटिंग मिक्स बनाया इसमें, तो इसमें मैंने नीम की खली और जाइम मैंने नहीं दिया। अगर आपको देना होगा ज़रूर आप दे दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नीम की खली इसके लिए बहुत ही मस्त होता है। नीम की खली दोस्तों और जाइम हो गया, उसके बाद इसमें बोन मील हो गया, ये सब चीज़ें आप इसमें मिक्स कर दीजिए। हम नहीं मिक्स किए हैं दोस्तों, हम इसमें 10 से 15 दिन बाद एक लिक्विड घोल बना के इसमें हम इसको यूज करेंगे, और उसके बाद हो सके तो अगर टाइम मिलेगा तो इसका अपडेट भी आपको हम दिखाएंगे। दोस्तों इस तरीके से अगर आपके पास भी अगर अडेनियम के पौधे पे समस्या आई होगी तो ज़रूर आप इसके रिपोर्ट करिए, क्योंकि दोस्तों ये चल रहा है मार्च का महीना, फरवरी और मार्च में अडेनियम पे ये काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक साल हो गया अगर रिपोर्ट किए हुए तो तुरंत इसे आप मिट्टी को चेंज करिए, और चेंज करने के बाद कोडेक्स के ऊपर करिए। कोडेक्स के ऊपर करने के बाद उसको आप लगा दीजिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो अपने टॉपिक के साथ। धन्यवाद।